हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, 10 जुलाई से सोने जा रहे हैं भगवान विष्णु। इन पांच राशियों पर बरसेगी कृपा। जी हाँ दोस्तों, चतुर्मास के धार्मिक महत्व के साथ साथ ज्योतिषीय महत्व भी बहुत खास होता है। माना जा रहा है कि इन चतुर्मास में इन पांच राशियों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, चतुर्मास वह अवधि मानी जाती है जब भगवान विष्णु समेत समस्त देवतागण चार महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। चतुर्मास का आरंभ देवशयनी एकादशी से होता है और समापन देव उठनी एकादशी से माना जाता है। 10 जुलाई से चतुर्मास का आरंभ होगा और 4 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी को समापन होगा। चतुर्मास की अवधि में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। चतुर्मास के धार्मिक महत्व के साथ साथ ज्योतिषीय महत्व भी बहुत खास होता है। माना जा रहा है कि इन चतुर्मास में इन पांच राशियों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों, ऐसी कौन सी राशि है जिस पर विशेष कृपा बरसेगी भगवान विष्णु की। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, पहली राशि आती है मेष राशि वाली। तो दोस्तों, पहली राशि मेष राशि। चतुर्मास में मेष राशि के जातकों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहने वाली है। ईश्वर कृपा से उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और किस्मत का साथ मिलेगा। करियर के लिए ये अवधि और खास होगी। आपको इस बीच में नौकरी का कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। रोजाना स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपकी किस्मत अवश्य चमकेगी। तो दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए चतुर्मास की अवधि व्यापार करने के लिए अनुकूल रहेगी। व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा और जिनका धंधा अभी तक ठंडा पड़ा था उन्हें भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर आप कोई नया काम आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी रुक जाए, ये काम चतुर्मास के बाद ही आरंभ करें। उपाय के तौर पर चतुर्मास में हर बृहस्पतिवार को विष्णु को सहस्र नाम का पाठ अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, विष्णु सहस्र नाम का पाठ अवश्य करें और तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपके काम में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, अवश्य करें। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है मिथुन राशि। बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि के लोगों के लिए चतुर्मास का समय हर मामले में बेहतर होगा। इस वक्त आपको करियर से संबंधित कोई भी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। तो वही व्यापार करने वालों के लिए ये महीना बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। इस अवधि में आप संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहेंगे और उनसे जुड़ी तरक्की भी आपको प्रसन्न करेगी। दोस्तों, उपाय के तौर पर चतुर्मास में आपको रोजाना गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसेगी। तो दोस्तों, ये उपाय अवश्य करें। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए चतुर्मास की अवधि कुछ मामलों में बेहतर तो कुछ मामलों में अशुभ हो सकती है। दोस्तों से आकारान विवाद हो सकता है, तो व्यापार में लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में पुरानी बातों को लेकर विवाद करने से बचे। व्यापार में इस वक्त और पैसा न लगाए, जो है उसी को आगे बढ़ाए। उपाय के तौर पर आपको हर बृहस्पतिवार को गाय को आटे की लोई में हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए। दोस्तों, इससे आपके व्यापार में और नौकरी में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये उपाय भी अवश्य करें। तो दोस्तों, रुचिक राशि वालों पर चतुर्मास में भगवान श्री नारायण की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस वक्त कार्य क्षेत्र में पसंदीदा काम करने को मिलेगा। तो वही व्यापार करने वाले के लिए ये समय लाभ देने वाला साबित होगा। इस वक्त आपकी रुचि अध्यात्म और धार्मिक कार्य में अधिक रहेगी। उपाय के तौर पर हर मंगलवार को गुड़ का दान करें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो दोस्तों, ये उपाय अवश्य करें। तो दोस्तों, इस तरह चतुर्मास में इन राशि पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। तो दोस्तों, विष्णु जी का पूजा अवश्य करें और उसका स्मरण अवश्य रखें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।